ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू. उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने थैंक यू बोला. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. जब ट्रॉफी मिली तब एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ कि एक्चुअली मैं जीत गया हूँ. जब सर ने अनाउंस किया तो भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं एक्चुअली जीत गया हूँ. बट इट फील्स ग्रेट, इट फील्स वेरी नाइस कि आई हैव वन द शो. बोथ द हाइट एज वेल एज वाटर, ये दो फोबिया था. और हाइट मुझे बचपन से फोबिया था, एंड वाटर धीरे धीरे रियलाइज किया कि कब फोबिया बन गया पता ही नहीं, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती है. सो वैसा हो गया था. सो या हाँ, सो मतलब यही था कि करना तो है, आया हूँ शो में. तो द रीज़न आई एम देयर इज बिकॉज आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ. तो हार तो नहीं माननी है, मतलब अपना बेस्ट देकर जाना है. सो ऐसा था. हर स्टंट में वो बहुत सपोर्टिव थे सर, कभी ऐसा वो नहीं करते थे कि स्टंट में कर दिया, उस स्टंट में कर दिया. हर स्टंट में ही वांटेड कि हर कंटेस्टेंट अपना 100% दे और स्टंट कंप्लीट करे, बिकॉज इतनी मेहनत जाती है स्टंट बनाने में. और स्टंट को अगर हम ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है. एंड देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग इन द शो अगर आप पूरा स्टंट ही कंप्लीट नहीं कर सकते हो. और यू नो एक आपको सेल्फ ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता है, अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता है जब आप नहीं करते हो. तो वो चाहते हैं कि वो आप फील करो. सो सर का वैसा रहता है कि ही वॉन्ट्स यू टू फील दैट थिंग. तो इसीलिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा कोशिश यही रहती है उनकी कि हर कंटेस्टेंट स्टंट जो है वो पूरा कंप्लीट करे. मुझे भी नहीं पता, वो तो कलर्स टीम को पूछना पड़ेगा कि कास्टिंग कैसे हुई थी. अच्छा वैसे मेरे माइंड में ये अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब खतरों के खिलाड़ी जो अपॉर्चुनिटी वो हर किसी को मिलता नहीं है. सो व्हाई नॉट टेक इट. एंड मैंने कभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ ज़्यादा ऐसे की नहीं है. तो मेरा ऐसा था कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ट्राई टू डू इट. एंड मज़ा आएगा, बाहर स्पेन है, स्पेन में घूमने भी मिलेगा. तो क्यों नहीं करते हैं. एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट टू चैलेंज माई फोबियाज एंड ओवरकम माई फोबियाज. सो दैट्स द रीज़न आई सेड यस. डेंजरस एज यू सेड कि सारे स्टंट्स ही डेंजरस थे. मेरे को सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो था वो मेरा चिकन वाला जो स्टंट था, वो मेरा आई टू रोटेट, वो मुझे बहुत बहुत गंदा, बहुत ही ग्रोस लगा था. बिकॉज मेरे को वो स्टंट करने के बाद मेरे को दो हफ्ते, एक तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और दो हफ्ते तक मुझे अचानक से चिकन का वो फील होता था ऐसा कि चिकन अभी तो खाया नहीं, बट वाई मतलब मेरे मुँह के अंदर वो क्यों फील हो रहा है. सो ऐसा था. या वो मेरे को लगता है बहुत ही गंदा और सबसे भाई अच्छा. मैं अपने खुद के लिए कर रहा था. मैं ऐसा कोई नहीं था कि मैं हु इज़ माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन. मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा था, अपने आप से विन करने की कोशिश कर रहा था. दैट इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू डू. सो ऐसा नहीं था कि ये मेरा खतरा है, ये मेरा बिगेस्ट चैलेंज है. सो ऐसा कुछ नहीं था. सर कुछ लोग, कुछ कंटेस्टेंट जो थे आपके लिए नए थे, कुछ लोग सर उनसे बॉन्डिंग कैसी मिली? मैं मोस्टली हर कोई मेरे लिए नया था. ऋतिक भाई से मेरी इंटरेक्शन हुई, करण भाई से मेरी इंटरेक्शन थोड़ी बहुत हुई है, बट अदरवाइज मैं किसी को ऐसे प्रॉपरली नहीं जानता था. निया एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सेम प्रोडक्शन हाउस सिनेविस्तास, बट कभी भी हमने हाय हेलो हमारा कभी कुछ नहीं हुआ है. सो मेरे लिए कंप्लीट नए लोग ही थे. एंड उनके साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट वेंट प्रीटी वेल. अब हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए हैं. सो मेरे को मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छे लोग सारे बॉयज़, मनवीर भाई, ऋतिक भाई, रवि भाई, करण भाई, लोग सब बहुत ही मस्त लोग हैं. इवन लड़कियों में मेरी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मोनिका शिबानी, निया और गीता ही से होती थी. सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके जो फाइनल्स में हीरा खान और रवि दुबे के साथ? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं खुद आऊँगा फाइनल में. तो मैं उनका क्यों एक्सपेक्ट करूँ? मैं तो खुद अपने बारे में सोच रहा था कि मैं आ गया फाइनल में, क्या बात है यार. मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा. सो फॉर मी इट वाज मोर इम्पोर्टेंट अ थॉट कि मैं कहाँ से आ गया फाइनल में. तो ऐसा था. मैं थोड़ी टैगलाइन देता हूँ, वो उन लोग देते हैं, आप लोग फॉलो करते हो उसको. उससे मेरा कोई लेना देना नहीं. आई एम स्टिल द पर्सन हु आई वॉज इन झलक एंड आई एम स्टिल द पर्सन हु आई एम आफ्टर खतरों के खिलाड़ी. सो नेक्स्ट एक्सप्लोर करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना बाकी है. बहुत चीज़ें यार, बहुत चीज़ें लाइफ में सीखनी बाकी है, बहुत चीज़ें करनी बाकी है यार. अच्छा,
बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता था सर के बारे में, अपार्ट फ्रॉम मतलब सर डायरेक्टर हैं गोलमाल के हैं, सिंघम विंगम सर ने डायरेक्ट किए हैं चेन्नई एक्सप्रेस व्हाटएवर, सो वो सारी चीज़ें तो मुझे पता थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि सर कितने साल से काम कर रहे हैं, सर का बैकग्राउंड क्या क्या है, सर ने खुद इतने स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था. तो वो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड जैसे सर हैं वो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड इंस्पायर करते हैं कि बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर एंड बी मतलब कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप हो वैसे हो. मतलब पूरी जर्नी बट ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है. मतलब हर मोमेंट इट वॉज वेरी स्पेशल आफ्टर एवरी स्टंट दैट आई परफॉर्म्ड. ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है. जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मेरा ऐसा था कि ओके आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा मोमेंट. बट द होल जर्नी भी जो है वो बहुत बहुत अच्छी रही है एंड बहुत मज़ेदार रही है, तो मेरे को बहुत मज़ा आया. मैं क्यों किसी को देना चाहूँगा ट्रॉफी? मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं किसी और को देना चाहता हूँ मैं ट्रॉफी. हर कोई डिजर्विंग था वहाँ पर, हर कोई डिजर्विंग था. इट्स जस्ट दैट हर किसी का दिन होता है, हर किसी को परफॉर्मेंस, कोई स्टंट बेटर परफॉर्म करता है, कोई नहीं परफॉर्म करता है. ऐसे तो कोई है नहीं कि कोई सारे स्टंट हारते हुए आया. आई मीन एक स्टंट हार गए उस दिन आपका बुरा दिन होगा, तो इसलिए आप फॉर दैट रीज़न आप चले मतलब एलिमिनेट हो जाते हो. सो या आई मीन एवरी वन जो थे वहाँ पर वो डिजर्विंग थे. पर मैं बच गया ना, मैं बच गया ना. मेरा था कि कपड़े का टास्क था मेरा, कि अगर मैं नहीं जीतता तो मुझे कपड़ा नहीं मिलता, तो मैं जीत गया वो टास्क और मुझे कपड़े मिल गए मेरे, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई. मतलब आई डिडंट हैव टू फेस द रिपरकशंस ऑफ नॉट विनिंग द स्टंट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच. आई थिंक विदाउट योर लव एंड सपोर्ट, विदाउट योर प्रेयर्स, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू परफॉर्म द स्टंट्स एंड विन दिस ट्रॉफी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आप लोगों को इस बार कुछ अलग ढंग से मैं एंटरटेन किया एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू.